मुझे अंडरलाइन डिजिट, अंडरलाइन डिजिट कौन है इसमें, 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेसेस देना शुरू करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। मैंने यहाँ हंड्रेड्स तक ही प्लेसेस दी क्योंकि मुझे 6 का ही बताना था, 6 का ही प्लेस वैल्यू निकालना है, तो आगे के डिजिट्स को प्लेसेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने हंड्रेड्स तक ही प्लेसेस दी, तो क्या होगा प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू डिजिट मल्टीप्लाइड बाई प्लेस, यही होता है ना, डिजिट क्या है 6, प्लेस क्या है 100, 6 × 100 इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, छोटे से बड़े की ओर जाना, दैट्स असेंडिंग ऑर्डर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज बड़े से छोटा, कैसे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, जिसे हम रिवर्स काउंटिंग भी बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। कैसे, पहले हम सभी नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, अगर तो इक्वल है, जिन जिन नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं उनके डिजिट्स कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वो छोटा होगा अपने आप, उसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो बड़ा होगा। तो आई डू बी पार्ट फॉर यू, ठीक है, क्या है बी पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा नंबर है इसमें 1, 3, 2, 4, 5, 6, तीसरा है 5, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 4, 6, फिर है आपका 1, 2, 3, 5, 6, 4, और फिर है 1, 2, 3, 2, 3, 6, 5, 4, समझ में आया, कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब सभी नंबर्स में पहला स्टेप होगा नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब सभी नंबर्स में 6 डिजिट्स हैं। तो एकदम से मैं बता नहीं सकती कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट प्लेस। अब देखो सबकी ग्रेटेस्ट प्लेस तो 1 ही है, इसकी भी 1, 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 तो ग्रेटेस्ट प्लेस कंपेयर हो गई। अब नेक्स्ट प्लेस पे जाओ, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, 3 वाला छोड़ दो, 3 की जो नेक, इसको छोड़ दो, ये तो सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसकी नेक्स्ट डिजिट जो है वो सबसे बड़ी है, ये तो लास्ट में ही आएगा। बाकी सबकी जो नेक्स्ट डिजिट है वो 2, 2, 2 है, तो अब हम उसकी थर्ड डिजिट को कंपेयर स्टार्ट करना करेंगे, इसकी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तीनों की 3, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसकी तो सेकेंड ही डिजिट बड़ी थी, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा। इन तीनों, अब बाकी कौन से नंबर बचे, ये 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 और ये, थर्ड डिजिट भी सेम है। अब फोर्थ डिजिट पे आ जाओ, इसकी क्या है, फोर्थ डिजिट 4, इसकी क्या है 5, इसकी क्या है 6, और इसकी क्या है 5, और इसकी क्या है 6। तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसकी फोर्थ डिजिट सबसे छोटी है, किसकी छोटी है, इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये सबसे पहले आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी फिफ्थ डिजिट सेम है, कौन कौन सा, ये और ये, क्या है, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। अब इसकी हम कौन सी डिजिट करेंगे, 6 डिजिट कंपेयर स्टार्ट करना करेंगे, इसकी 6 डिजिट 4 है, इसकी 6 डिजिट 6 है, तो छोटा कौन हुआ, ये 1, 2, 3, 5, 4, 6, और फिर ये 1, 2, 3,
5, 6, 4 और उसके बाद ये वाले डिजिट 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 ये वाला नंबर, सॉरी 1, 2, 3, 6, 5, 4 और ये तो ऑलरेडी इसकी तो सेकेंड डिजिट ही इन सबसे बड़ी थी, तो ये ऑलरेडी मैं लास्ट में रख चुकी थी 1, 3, 2, 4, 5, 6 अब पढ़ो नंबर्स को 123 यहाँ से मेरा असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब यहाँ से ये जो है यहाँ से मेरा असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो गया, ये नंबर्स मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। पढ़ो नंबर्स को 100,000, 10,000, 1,00,000, 1,23,456, 1,23,546, 1,23,564, 1,23,654 और फिर है 1,32,456। समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, व्हाट्स द प्रोसेस। सबसे पहले हर नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करो, अगर सेम है तो फिर ग्रेटेस्ट प्लेस से डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करो। अगर तो पहली डिजिट सेम है तो नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करना स्टार्ट करो, अगर वो भी सेम है तो थर्ड डिजिट को कंपेयर करना स्टार्ट करो, ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपका हुआ असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे ही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट मैंने कर लिया, ए पार्ट आप खुद करोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मैं आपका बी पार्ट कर रही हूँ। नंबर्स जो गिवन है पहले वो लिखेंगे 5, 4, 6, 2, 9, 5, 4, 6, 0, 2, 9, 5, 4, 6, 2, 0, 9, 5, 6, 4, 2, 0, 9, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 2, 9, 0। पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट नंबर के कितने डिजिट्स हैं, 6। दूसरे नंबर पे आ जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6, इसके भी 6 और इसके भी 6। मतलब मुझे अब प्लेसेस के नीचे जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट डिजिट सबकी 5 है तो दूसरे डिजिट पे आ जाओ 4। अब इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी 6 है और इसकी 6 है, ये दो हम लास्ट में कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो दूसरी डिजिट है वो बड़ी है, उनको हम बाद में, पहले हम उनको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे जिनकी दूसरी डिजिट बड़ी है। 4, 4, 4, जिनकी दूसरी डिजिट सेम है 4, 4, 4, तो इनको आपस में कंपेयर करो। अब कैसे करेंगे, थर्ड डिजिट पे जाएंगे, थर्ड डिजिट भी सेम है 6, 6, 6। अब क्या करेंगे, फोर्थ डिजिट पे जाएंगे, फोर्थ डिजिट क्या है, इसकी 2 है, इसकी 0 है और इसकी 2 है, इसकी 2 है और इसकी 2 है, इन दोनों को छोड़ेंगे, इसकी सबसे छोटी है तो सबसे छोटा ये हुआ 5, 4, 6, 0, 2, 9। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसकी 290 है, इसकी 209 है, सॉरी ये वाली डिजिट कंपेयर हो गई थी हमारी 2 और 2। अब हम नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, इसकी 9 है, इसकी 0 है, तो क्या करेंगे, ये छोटा होगा इससे 5, 4, 6, 2, 0, 9 और फिर 5, 4, 6, 2, 9, 0, है ना, देखो 5,46,029, 5,46,209, 5,46,290। मतलब ये तीन नंबर्स मेरे कंपेयर हो गए। अब ये दो रह गए थे जिनका दूसरा ही डिजिट, जिनका दूसरा डिजिट बाकी डिजिट से बड़ा था, अब इनका तीसरा डिजिट कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो तीसरा भी इनका सेम ही है, इसका तीसरा 4 और इसका भी तीसरा 4। चौथा कंपेयर करेंगे, इसका भी 2, इसका भी 2, है ना, तो क्या करेंगे, पांचवे डिजिट को कंपेयर करेंगे, इसका 0, इसका 9, तो ये छोटा हुआ 5, 6, 4, 2, 0, 9,
और फिर ये 5, 6, 4, 2, 9, 0, ठीक है। ये क्या बना इसका असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन मुझे लिखना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था, बड़े से छोटा जाना था, सबसे पहले हमें सबसे बड़ा लिखना था। अब चूंकि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख चुकी हूँ तो इसी को उल्टा करके इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। कैसे, जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा होगा मैंने वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि मुझे सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, तो सबसे बड़ा नंबर वो होगा जो सबसे लास्ट में होगा। 5, 6, 4, 2, 9, 0, 5, 6, 4, 2, 0, 9, फिर ये सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये, 5, 4, 6, 2, 9, 0, फिर उसके बाद ये 5, 4, 6, 2, 0, 9 और उसके बाद ये 5, 4, 6, 0, 2, 9। डिसेंडिंग ऑर्डर था मतलब बड़े से छोटा, है ना। पढ़ो नंबर्स को, 5,64,290, 5,64,209, ये बड़ा है इससे, अब ये बड़ा है इससे 5,46,290, अब ये बड़ा है इससे 5,46,290, 5,46,209, 5,46,029। अब चाहे तो क्योंकि बड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो बीच में ग्रेटर ग्रेटर देन साइन लगा सकते हो ना, इससे पता चलेगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। और इसमें बीच में आप लेस देन साइन लगा सकते हो, पहला नंबर दूसरे से छोटा, दूसरा नंबर तीसरे से छोटा, तीसरा नंबर, समझ में आ रहा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर्म, फॉर्म मीन्स बनाओ, फॉर्म क्या होता है बनाओ। फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 0, 4, 9, 6 ईच ओनली वंस। ईच ओनली वंस का मतलब हर डिजिट को मैं सिर्फ एक बार ही यूज कर सकती हूँ, मतलब डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकती हूँ। 1, 2, 0 डिजिट्स जो गिवन है वो क्या है, 1, 2, 0, 4, 9, 6। अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा सबसे छोटा डिजिट पहले लिखने से। अब इनमें सबसे छोटा डिजिट क्या है, 0, तो 0 तो मैं सबसे पहले लिखूंगी नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जब हम 0 लिखते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। दैट मीन्स अगर मैं 0, 2 लिखती हूँ तो यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 2 के बराबर ही है, आपको ऑलरेडी ये बात पता है। तो मतलब अगर मैं 0, 2 लिखूंगी तो 0 तो यूज ही नहीं हुआ, वो तो 2 के बराबर है। तो इस केस में क्या करते हैं, 0 से इमीडिएट बड़ा देखते हैं कौन है, इमीडिएट बड़ा कौन है, 1। 0 से इमीडिएट बड़ा कौन है, 1, तो 1 लिखूंगी और 1 के बाद 0। अब 1 से इमीडिएट बड़ा 2, 2 से इमीडिएट बड़ा 4, 4 से इमीडिएट बड़ा 6 और 6 से इमीडिएट बड़ा 9। तो मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो बनेगा 1, 0, 2, 4, 6, 9, 100,000, 10,000, lakh, मतलब 1,02,469। कॉमास देना स्टार्ट करो, 1,02,469 क्या बना आपका स्मॉलेस्ट नंबर, 1,02,469, 1,02,469। और लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े डिजिट से शुरू करते हैं, 9, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, 2, 1, 0, 9, 6, 4, 2, 1, 0, समझ में आया। ये आपका बना लार्जेस्ट नंबर, क्या है ये, 9,64,210, 9,64,210। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है 1 lakh इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड, 1 lakh इज इक्वल टू डैश थाउजेंड्स, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, 1 lakh में कितने थाउजेंड्स होते हैं।
तो इसका मतलब है 1 लाख, कोई ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, या इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं 1 लाख जो है किसमें कितने और नंबर्स जोड़ के वो बना होगा उसमें क्या करते हैं, 1 लाख है, 1 लाख कैसे लिखते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1 लाख को 1000 से डिवाइड करूंगी, 1000 से ये किसका साइन होता, अपॉन, अपॉन मींस डिवाइडेड बाय, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, तो 3030 कट, क्यों 3030 कट, क्योंकि दोनों को 1000 से डिवाइड होगा, 1000 वन्स आ और 1000 हंड्रेड आ, है ना, तो मेरे पास क्या बचा 100, दैट मींस 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, ये आपका था ए पार्ट। ऐसे ही आपका है 10,000 इज इक्वल टू डैश हंड्रेड्स, मतलब 10,000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, तो लिखो पहले 10,000, 10,000 को किससे डिवाइड करोगे, 100 से, अब 100 से डिवाइड करने का मतलब 2020 कट, 100 वन्स आ एंड 100 हंड्रेड्स आ, तो क्या आंसर आया 100, बचा क्या यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आएगा 100, मतलब 10,000 में 100 हंड्रेड्स होते हैं। ऐसे ही आप सी और डी पार्ट खुद से करोगे, सी एंड डी पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। सो स्टूडेंट्स वी आर डन विद एक्सरसाइज नंबर 1, I'll start with exercise number 2 in the next video. लेकिन उससे पहले आप करोगे क्या, एक काम करोगे, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 पे जितना भी ये मैटर लिखा हुआ है, एक्चुअली में क्या है ये, जैसे मैं आपको लास्ट ईयर बोलती थी कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे उस एक्सरसाइज की उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी होती है, तो आप ये पेजेस पढ़ोगे, इनकी सेल्फ स्टडी करोगे, सो दैट आपको एक्सरसाइज नंबर 2 इजीली समझ आए। वैसे तो एक्सरसाइज 2 में भी जितने भी क्वेश्चंस है वो भी रिपीटिशन ही है, लेकिन आप पेज नंबर 7, 8, 9 पे जितना भी रिटन मैटर है उसकी सेल्फ स्टडी करोगे 2 बार 3 बार, और जो पार्ट्स मैंने आज नहीं कराए हैं वो आप खुद से करोगे। Fine, I'll see you soon in the next video.